अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत यूनिक सी है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लोबिया कढ़ाई, जो कि आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है और जो है सबको पसंद आएगी। बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके खाने के। आप लोग इस तरह से बना के जो है आप इसको खा सकते हैं, मतलब डिनर में ले लें, लंच में ले लें, मतलब बहुत अच्छी रहती है ये और आप लोग इसको बना सकते हैं। मैंने 1/2 kg के जितना लोबिया लिया है और इसको बॉईल कर लिया है। और इसके बाद जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 1 बड़े साइज की प्याज ली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर और सॉल्ट, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और जो है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, जो कि मैंने इसको जो है तवे पे भून के और ग्राइंड करके रख लिया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब जो है मैं एक पॉट ले लूंगी और जो है इसको मैंने रख दिया है और अब मैं हसबे जरूरत जो है ऑयल यूज करूंगी। मैंने तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच जो है ऑयल ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि हम जो है लोबिया कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल होता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ऑयल ज़्यादा लिया है। अब जो मैंने ऑनियन थी कट करके रखी हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ये आप लोग देख सकते हैं, और मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूंगी। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज जो पसंद आ रही हैं, जिन्होंने कहा है कि मेरी रेसिपीज अच्छी होती हैं, उनका थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्ती बन के तैयार होगी। आप लोग ज़रूर ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जब हमारे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था, और इसको भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जब हमारा लहसुन अदरक थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले जो कि मैंने आपके सामने आपको दिखाए थे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक, ये 3 4 5 चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी हैं। और इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस सिर्फ असल जो उसका प्रोसेस है वो ये है कि आप लोबिया को जो है बॉईल करके रख लें, उसके बाद जब आपको बनाना हो आप जो है इसको आराम से बना सकते हैं। तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट में ही आराम से बन के तैयार हो जाएगी और आप आराम से बैठ के कभी भी जो है आप इसको बॉयल करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, और आप आराम से इसको कभी भी जब आपका दिल चाहे आप बना के इसको खा सकते हैं। अब जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 अदर टमाटर जो कि मैंने बारीक काट लिए थे, और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। और इसको जो है मैं इसको जो है असल चीज़ जो होती है ना, ये टमाटर थोड़े मोटा ना रहे, बस ये टमाटर जो है ना हमारे थोड़े गल जाएं, तो फिर हम इसमें जो है लोबिया ऐड करेंगे। तो बस मैं इसको मिक्स करके और जो है कवर करके रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर बॉयल लोबिया जो है मैंने बॉयल करके रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये मेरे 25 मिनट तकरीबन हो चुके थे, मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था, और आप देख सकते हैं कि मेरे टमाटर जो है काफी हद तक गल चुके हैं। और जो है अब जो है इस स्टेज पर मैं जो है ना इसके अंदर लोबिया मिक्स करूंगी। एक कप के बराबर जो है मैंने इसमें से बचा लिया था, बाकी मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसको डाल के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब जो हमें इसमें बाकी के जो स्पाइसेस मेरे रह गए थे वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून खाने का जो है वो मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूंगी।
ये मैंने दो दफ़ा डाली है, लेकिन थोड़ी कम कम डाली है, तो 1 टेबल स्पून हुआ है ये, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भुना हुआ जीरा और पिसा हुआ और धनिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको फ्राइंग पैन में फ्राई करके और उसको जो है हल्का हल्का जो है इसको ग्राइंड करके रख लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला हाफ टेबल स्पून के बराबर। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो है मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल दूंगी, और अदरक भी मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। और मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि जो है ये डिश आउट होने के बाद कैसे लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग तो हमेशा मेरी दुआओं में हैं। तो जी जनाब, मिलते हैं हम न्यू रेसिपी के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।